बार के सरपंच, तीन बार के उपाध्यक्ष, इनको बोलता है हु आर यू। अरे अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेज की औलाद, तेरे को अगर दुर्गा शंकर बोल देता कि अरे मेरा नाम तो दुर्गा शंकर है, रिश्ते में तेरा बाप लगता हूं, क्या होता। हु आर यू, मैं पूछता हु आर यू, तू नौकरी करने आया है कि हम गुंडाई करने आया है, सिंघम बनता है। इस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी यदि कोई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बिना नोटिस दिए किसी का बाउंड्री गिराया जाता है, ये कांग्रेस बोलती है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। एक गांव में रहने वाला खान साहब जो भले मुस्लिम है लेकिन उसका बाउंड्री गिरा दिया जाता है, उसके लिए अगर जनपद का उपाध्यक्ष नहीं जाएगा तो कौन जाएगा वहां। मेरे को सब मालूम है यहाँ कितना कितना पैसा लेकर वन अधिकार का पट्टा बांटा जा रहा है, 5,000, 10,000, 50,000 में जमीन की दलाली किया जा रहा है। अरे शासन और प्रशासन कान खोलकर सुन लो, यहाँ अवैध कब्जा कितने कांग्रेसियों का है, अगर दम है तो उनको तोड़ के दिखाओ। खुलेआम इस क्षेत्र में कांग्रेस के गुंडे मर्डर कर देते हैं, कांग्रेस के गुंडे मर्डर कर देते हैं। वो बिचारी मां यहां बैठी है सामने, अरे तुमको शर्म नहीं आता कमीनों, इस प्रकार के घटना करते हुए अरेस्ट करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अभी तो ये केवल बानगी है, इस प्रकार की घटना अगर आगे करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं मन से कि तहसीलदार और एसडीएम जैसे राजपत्रित अधिकारी, एक तारीख को घटना होती है, मैं कहता हूं कि दुर्गा शंकर मिश्रा ने गाली गलौज कर दिया, काम करने में व्यवधान डाला, तो एक तारीख को एफआईआर क्यों नहीं किया गया, दो तारीख को क्यों नहीं किया गया। आप 3 तारीख शनिवार के दिन चोर टाइप पे एफआईआर करते हो और लेट के जेल में डाल देते हो, ये तुम्हारा इंसाफ है। साथियों, ये दुर्गा शंकर मिश्रा का अपमान नहीं है, इनसे डरते रहोगे तो ऐसा ही होगा। अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए तो कांग्रेस के दलालों तुम लोग क्या कर पाओगे, तुम्हें जड़ से उखाड़ के इस क्षेत्र से फेंक देंगे। ये जनकपुर चांग देवी की धरती, शांति और अमन की धरती, यहाँ पे छेड़ने का प्रयास किए हो, अरे तुम कौन हो, अंग्रेज के बच्चे, हु आर यू, तुमको हम नहीं जानते। दुर्गा शंकर मिश्रा को बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि दुर्गा शंकर मिश्रा कौन है। ये केवल दुर्गा शंकर मिश्रा का अपमान नहीं है, आप जनकपुर क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का, एक एक लोगों का सम्मान है। किसी के घर के बहन बेटी को कोई हाथ लगाता है तो पूरा गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है, लेकिन हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जैसे लोग को तुमने छेड़ने का प्रयास किया है, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। अभी भी भलाई है, मैं तहसीलदार और एसडीएम को मन से कहता हूँ कि अभी भी दुर्गा शंकर मिश्रा जी से आके सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, जनता उनको माफ कर देगी, नहीं तो इंसाफ जनता करेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।